वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रहलाद सिंह। मेरे क्या हम आज आपके लिए बीएससी सेकंड ईयर के जूलॉजी का अगला क्लास हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोर डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर डेटा का फर्स्ट वीडियो आपको दे दिया गया था, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन नया वीडियो अपडेट हुआ है। तो चलिए आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेंगे इस वीडियो के बाद। एंड यदि आपको ये पूरा क्लास देखना होगा तो वीडियो को देखिएगा, नहीं तो स्किप करके चले जाइएगा। रीजन ये है कि आधा नॉलेज आपके लिए किसी जहर से कम नहीं होता। मतलब आप कोई भी चीज देखिए, पढ़िए, तो पूरा देखिए, पूरा उसके बारे में जानिए, तो आपको उसका ड्रॉबैक एंड उसके प्रॉफिट पता चलेंगे। ठीक, कभी भी किसी को किसी चीजों को आधा पढ़ के मत छोड़िए, क्योंकि वो अधूरा ज्ञान आपका टाइम वेस्टिंग किया है। मतलब जब पूरा नहीं जानेंगे किसी के बारे में तो आधा जान के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम में ये थ्योरी मेरा जरूर अपनाएंगे, आपको जरूर फायदा होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको पार्ट टू की तरफ चलते हैं। पार्ट वन हमने कवर कर लिया था कल के क्लास में, हमने उसमें देखा था पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेटा का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने एक क्रेनिएटा के बारे में बात किया था कि जो हमारा क्लासिफिकेशन कोर्डेटा का पहला कह सकते हो क्या था, ग्रुप था। उस पहले ग्रुप में हमने एक क्रेनिएटा को डील किया था, यानी प्रोटोकोर्डेटा को देखा था, और उस प्रोटोकोर्डेटा में हमने तीन सब फाइलम को डील किया था, हमारा हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा को हमने डील किया था। और आज क्रेनिएटा के अंतर्गत हम लोग डील करेंगे यहाँ पे वर्टिब्रेटा को, यानी आज के क्लास का स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं क्रेनिएटा। ठीक, तो क्रेनिएटा को बात करेंगे यहाँ पे यूकोर्डेटा। तो चलो प्यारे आज के क्लास को शुरू करते हैं यूकोर्डेटा। ठीक, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम लाइक कर दो, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम इसको शेयर करो, आपको जैसा मन करता है वैसा करो, क्योंकि आपका फोन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप कितना प्यार देते हो हमको। ठीक, तो चलते हैं आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट को। सबसे पहले देखा जाएगा कि जो हमारे पास क्रेनिएटा होंगे, यानी यूरोकोर्डेटा, एक डेवलप कोर्डेटा देखा जाता है। ठीक, वहां पे ये सबसे पहले एक्वाटिक होंगे, जली भी हो सकते हैं और स्तर भी रह सकते हैं, एंड यूजली लार्ज साइज्ड होते हैं, काफी बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि वो अमीबा जैसा छोटा सा होगा, कैसा होगा, बड़ा बड़ा हाथी जैसा होगा। ठीक, हम लोग देखे हैं हाथी को, हम लोग घड़ियाल को देखे हैं, हम लोग डायनासोर को देखे हैं, सारे सारे जो फीचर्स थे वो हमारे पास इसी यूकोर्डेटा के अंतर्गत आते थे। तो मतलब ये कहाँ रहेंगे, पानी में भी रहेगा, जली भी होगा, और ये कहाँ रहेगा, सॉइल पे भी रहेगा, एंड उसके साथ ये लार्ज साइज होंगे। ये हायर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कैसे होते हैं, हायर कोऑर्डिनेट्स या वर्टिब्रेट्स होते हैं। और उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि इनके जो बॉडी होती है, इनके बॉडी पे स्पेशली हेड पाया जाएगा, एंड वो स्पेशली वर्टिबल कॉलम से अटैच होगा, और इनमें जबड़े देखने के लिए मिलेंगे, एंड इनमें जो ब्रेन होगा वो एक प्रोटेक्शन के द्वारा, यानी एक प्रोटेक्टिव मटेरियल के द्वारा डेवलप सुरक्षित होगा। उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो करेगा हमारा यहाँ पे स्पेशली कह सकते हो क्या करेगा, हमारा जो क्रेनिया है, क्या है, हमारा क्रेनियम है। क्रेनियम के अंतर्गत मतलब अंदर पाया जाने वाला जो ब्रेन होगा वो पूरी तरीके से सुरक्षित होगा, वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा कहां पे, हमारे यूकोर्डेटा के अंतर्गत। यदि बात करें आगे तो हमारे पास जो क्रेनिएटा है, क्रेनिएटा में एक सिंगल सब फाइलम एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, सिंगल सब फाइलम एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है वर्टिब्रेटा। तो याद रहेगा कि वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा या फिर यूरोकोर्डेटा के अंतर्गत हमारा आता है। तो क्लासिफिकेशन करते समय आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता के जा रहा हूं कि मैंने पूरा क्लासिफिकेशन के लिए दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको क्लासिफिकेशन करने में कोई दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली है। तो चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे सब फाइलम हमारे पास चौथा आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब होगा कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स होंगे वो कैसे होंगे, बैकबोन स्ट्रक्चर्स के साथ आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैसा होगा, कैसा होने का मतलब इनमें न्यूटोकार्ड प्रोजेक्ट होगा, अच्छा खासा होगा, और एक अच्छे खासे होने के साथ साथ ये रिप्लेस करता है, मतलब स्पेशली देखो ये बाई कर दो। ठीक ठीक, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना, जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंतर्गत वर्टिब्रल कॉलम का होना बड़ा जरूरी होता है, और ये पूरे हमारे जो नोटोकार्ड्स होते हैं उसको ओवरलैप करके हमारे वर्टिब्रेट्स में करके रखा रहता है। यदि बात करेंगे बॉडी डिविजन की, तो बॉडी यहाँ पे डिवाइडेबल होगा, पहला हमारा खोपड़ा पाया जाएगा, यानी हेड देखने के लिए मिलेगा, दूसरे नंबर पे हमारे पास हमारा गर्दन देखने के लिए मिलेगा, गला, ओके, बात करेंगे ट्रंक,
यानी ये एरिया, यदि बात करते हैं यहाँ पे टेल यानी पूछ, पूछ पूछ की बात कर रहा है, ओके ठीक। और उसके बाद अगला बोल रहा है कि ये कैसे होंगे, जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं ये यूजली कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि एक लाइन बोले कैसे हमारे ये कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल मतलब समझ रहे हो ना, एक लिंग वाला, मतलब मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, ठीक। दोनों का दोनों को दोनों लक्षण इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक। गर्मी का कुछ इलाज हो किसी के पास तो उनको कमेंट करके जरूर बताएगा, इतना ज्यादा गर्मी लगता है कि क्या होता जाए, एसी तो है नहीं, ठीक। चलो भैया हम लोग एसी वाले नहीं है, हम थोड़े गरीब वाले हैं, तो हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, तो मिडिल क्लास में रहते हैं, एसी तो नहीं लगवा सकते, ठीक। तो गर्मी तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ठीक, कोई बात नहीं, करते हैं। एंड आगे बात करता है कैसे होंगे, ये एक लिंगी होंगे, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होंगे, इनमें मेल अलग होगा अलग बॉडी में, फीमेल अलग बॉडी में होगी। एंड आगे बात करते हैं, अगले नंबर पे आएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लार्जेस्ट कॉर्डेट सब फाइलम इंक्लूडिंग, बोल रहा है किसमें, लगभग लगभग यहाँ पे कितना 46,500 से ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी सबसे बड़ा यदि सब फाइलम की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कॉर्डेट्स के अंतर्गत हमारा जो वर्टिब्रेट सब फाइलम है इसके अंतर्गत 46,500 से ज्यादा हमारे स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। यदि बात करें और आगे चल के कि हमारा जो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स हैं उसके दो हमारे डिविजन्स हैं, क्या है, यहां बोल रहा है कि डिवाइडेड इंटू टू डिविजन्स, यानी दो डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। पहला कौन है, एग्नेथा, एग्नेथा को हम लोग अभी डील करेंगे आगे चल के। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि गैंथो, क्या बोलता है, गैंथो स्टोमेटा। तो गैंथो स्टोमेटा एंड एग्नेथा कहता क्या है, आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, ठीक। इसका आपको पूरा पूरा नोट जो होगा वो हमारे कुछ दिनों में वेबसाइट पे भी मिल जाएगा एंड एप्लीकेशंस के अंदर भी मिल जाएगा, उसका भी लाइन लिंक मैंने नीचे दे दिया कि कोर्स आपको मिलेगा कहां से, ठीक। एंड बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे डिवीजन फर्स्ट की, आखिरकार डिवीजन फर्स्ट जो एग्नेथा है ये कहता क्या है, भैया समझना कि एग्नेथा का मतलब क्या है, वैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, हिंदी में शुद्ध बता रहा हूं, वैसे, और ये तो बस केवल मैं आपके नोटिस के लिए लाता हूं कि आप लिख लोगे तो आपको पेपर देने में काम आएगा, एंड दूसरा मेरा जो लैंग्वेज है वो आपको समझने के लिए कारगर होगा, ध्यान देना। एग्नेथा का मतलब होगा कि ऐसे कॉर्डेट्स आएंगे इसके इसमें एग्जिस्ट करेंगे जिसमें जबड़ा नहीं होगा, ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी इनमें जबड़ा नहीं होगा, विदाउट जबड़े के होंगे, ठीक, इस चीज को आप ध्यान देंगे, तो जबड़ा इनमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये कैसे पाए जाएंगे बेटा, ये पाए जाएंगे फिश लाइक स्ट्रक्चर्स, कैसे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे फिश लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ। तो ये कैसे होंगे, फिश लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, प्रिमेटिव फिश लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। एंड दूसरी की बात करते हैं, इनमें जबड़े नहीं होंगे, एंड में जो इनका जो पैर होगा, इनका जो लिम्स होगा वो कैसा होगा, पेयर्ड के फॉर्म में होता है, यानी पेयर्ड यानी जोड़े के साथ ये पाए जाएंगे, ठीक। अगले की बात कर लेते हैं, अगला यहाँ पे इनके क्लासेस कुछ डिवाइड किए गए, क्या कुछ क्लासेस डिवाइड किए गए, कितने क्लासेस, दो क्लासेस निकल के आते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा क्लास आता है यहाँ पे ऑस्टियोडर्मी, क्या ऑस्टियोडर्मी की बात करते हैं, आखिरकार ऑस्टियोडर्मी का मतलब क्या है, यहां से देखना, ये एक ऐसा ऑस्टियोडर्मी एक ऐसा क्लास रहा है जो अब विलुप्त हो चुका है, कैसा हो गया है, विलुप्त हो चुका है, यानी काफी प्राचीन है, प्रिमेटिव था जो अब विलुप्त हो चुका है। सबसे पहले जो था ये जो हमारा पैलियोजोइक था, क्या पैलियोजोइक जो एरा था, पैलियोजोइक एरा के अंतर्गत ये पाए जाते थे, मतलब पैलियोजोइक जो एरा था उसमें हमारे ऑस्टियोडर्म्स देखने के लिए मिलते थे, ठीक, एंड काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई देते थे। एंड उसके बाद कहता है कि ये पहले वर्टिब्रेट्स थे जो उस सीरीज में, यानी उस एरा के अंतर्गत, कौन से एरा, यहाँ पे पैलियोजोइक एरा के अंतर्गत देखने के लिए मिले थे। तो लेके जाइएगा आज का किक पॉइंट से, यहां से कभी पूछे कि सबसे फर्स्ट हमारा कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की बात करो, फर्स्ट वर्टिब्रेट किस एरा में डेवलप हुआ था, तो वो हो जाएगा यहां से पैलियोजोइक, ओके याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एंड आगे की बात करते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये धीरे धीरे कैसे हो गए, विलुप्त होते गए, कैसे हो गए, विलुप्त होते गए, और ये कह सकते हो कि बेस क्रिएट कर दिए, एक बेस फंडामेंटल पार्ट्स बना के चले गए, फंडामेंटल बेस बना के चले गए किसके लिए, कॉर्डेट्स के लिए। और आगे चल के इन्हीं के बॉडी में धीरे धीरे म्यूटेशंस हुए और अलग अलग तरह के एनिमल्स की कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता गया इन्हीं से, ये धीरे धीरे इनकी जो
प्रिमिटिव यानी प्रारंभिक स्पीसीज थी वो विलुप्त हो गई। ठीक, एंड अगला बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, क्या बोलता है दूसरा, दूसरा बोलता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होगा कि इनकी बॉडी जो होगी वो कैसा होगा, वो सर्कुलर मसल्स, कैसा सर्कुलर मसल द्वारा फॉर्मेट, हमारे पास इनका सर्कुलर एक वृत्ताकार माउस देखने को मिला, गोल सा, कैसा गोल सा। आपने किसको देखा होगा, आपने कभी एक डॉग को देखा हो, कुत्ता आता है ऐसे ऐसे किया जाता है, तो वो जो ऐसे करता है ना, वो देखो एक पैर था ऐसा सर्कुलर करके गोला सा, तो इनमें गोलाकार माउथ होगा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना कैसा होगा, सर्कुलर माउथ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, जो बॉडी होता है वो स्पेशली एक स्ट्रक्चर, एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ, एक स्पेशल इल के समान, इल इल देखे हो आप, इल देखे होंगे शायद, तो इनकी जो बॉडी होती है वो इल शेप होती है। कैसे होती है, इल शेप होती है, इनपे सल्क पाए जाएंगे, इनपे जबड़े देखने के लिए मिल जाते हैं, कैसे इनमें जबड़े देखने मिलते हैं, जबड़े के साथ साथ ये मिलते हैं लैटरल फिन्स, कैसे लैटरल फिन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जबड़े होते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं होते, वो प्रिमेटिव कंडीशन में होंगे, तो स्केल्स देखने के मिलेंगे और उसके साथ उनमें जबड़े भी देखने के मिलेंगे, एंड उनमें पास यानी बगल बगल दो अच्छे से पंख भी दिखाई देंगे, जिसको फिन बोलते हैं हम लोग। ओके, टेक, जिसको हम पंख भी बोलते हैं। एंड आगे चल के बात करें, इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, कैसा होता है, राउंडेड होता है, मैंने अभी बताया। एंड आगे बात करें, जो गिल्स होती है, गिल्स की याद रखना 16 से 5 से 16 पेयर में होते हैं, ये कई बार पूछा था, कितनी बार, कई बार ये शायद आप देने जाओगे पीजीटी के क्वेश्चन, एंड बात करें और आगे चल के सीएसआर नेट की बात करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, एंड बात करते हैं एमएससी के एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ज्योलॉजी के, गर्मी को ज्यादा हो रहा है। ठीक, आधा तो दिमाग काम नहीं करता कि गर्मी देखा जाए कि वीडियो। ठीक, आगे अब बात करता है कि ये पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म होते हैं, तो ये चीज आपको याद रहे, कैसा पैरासाइटिक्स होते हैं, पैरासाइट का मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं और वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी किस फॉर्म में, वो भी यहाँ पे ब्लड के फॉर्म में, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म चिपक जाएंगे, जैसे उसको देखे हो जो लीच की बात कर रहा हूं, उसको देखे होंगे जब चिपक के वहां से ब्लड लेने लगता है तो वो भी पैरासाइट जैसे काम करता है, तो यहां भी कैसा होगा, पैरासाइट्स होंगे, वो भी एक्जो पैरासाइट्स होते हैं, कैसे होते हैं, एक्जो पैरासाइट्स होते हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। एंड इसके अंतर्गत यहां पे कितना 45 कितना 45 स्पीसीज रखा गया है। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स में यहां पे हमारे पास आ गया लैम्प्रे की बात करते हैं, तो लैम्प्रे के जिसको पेट्रोमाइजान बोलते हैं, तो पेट्रोमाइजान हेक फिशेस की बात करें, आपने देखा होगा इसका क्लास मैंने 2 साल पहले पढ़ाया था, कोई बच्चा बोला था तो मैंने कमेंट करके कि सर इसका क्लास नहीं मिल रहा है, तो मैंने सर इसका क्लास बनाया था बट आपको डील कर रहा हूं तो फिर से पढ़ाऊंगा, बट वो काफी पुराना है, वो बचपन के दिन थे, अब तो धीरे धीरे बोलने की आदत हो गई, पहले तो आवाज ही नहीं निकलता था, ठीक, डर लगता था कि आप लोग कुछ कमेंट कर देंगे, लेकिन कोई नहीं, कमेंट होते रहते हैं। ठीक, इसको भाई साहब छोटा हो जाता हूं थोड़ा सा। ओके, ठीक, चलो इतना ठीक है। ओके, चलते हैं आगे, बात करता है दूसरा हमारे पास डिवीजन देखने के मिलता है किसको, यहाँ पे क्या बोलता है, गैंथोस्टोमेटा। गैंथोस्टोमेटा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्पेशली बात करें तो यहाँ पे जबड़े भी दिखाई देगा, और जबड़े के साथ साथ कैसा, जबड़े के साथ साथ हमारे पास एक अच्छे से उसमें टीथ भी परमानेंट हुआ होगा, यानी टीथ भी पाया जाएगा, जबड़ा भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, और ये कैसा होगा, रियल जबड़ा होता है, कैसा, ये रियल होगा, रियल वाला, उसमें कैसा प्रिमेटिव था बट इसमें कैसा होता है, रियल होता है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या भैया बता रहे हैं। ठीक, मतलब इसमें ट्रू जॉस होंगे, ट्रू पाया जाएगा, एंड इनमें पेयर सिम्स होते हैं। ठीक, मतलब भैया ये ऐसे कर लो ना, लिम्स होते हैं यानी जोड़ीदार पैर होंगे, ऐसा तो ना है कि भगवान जी एक ही पैर वाला पैदा कर देंगे, 2 टोंगे 4 टोंगे 6 टोंगे 10 टोगा 12 टोगा 8 टोगा, जैसा भी होगा कैसा होगा वो पैर में होगा, ये लाइन आप याद करके जाइएगा। ठीक,
एंड बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है कि जो हमारा यहाँ पे गैंथोस्टोमेटा है इसको बोल क्या रहा है कि फर्दर डिवाइड, भैया बराबर बराबर क्या बोलता है, बराबर बराबर यहाँ पे गैंथोस्टोमेटा को किसमें पार्ट दिया गया, दो सुपर क्लास में बांट दिया गया। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि जो हमारा गैंथोस्टोमेटा है इसको दो भाग में बांटा भी गया, और डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं पीसेस से ना, पीसीस जो होती है पीसीस से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और ममेलिया के तक चले जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करना, गलती हो जाएगा, गुरु जी काट लेंगे दो नंबर। ठीक, तो गलती नहीं करना है, करना क्या है, क्या बोल रहा है कि फर्दर डिवाइड, बराबर बराबर भाग में बांट दिया, किसको किसको, हमारे पास यहाँ पे गैंथोस्टोमेटा को, वो भी सुपर क्लास के रूप में, क्लासेस नहीं सुपर क्लास, क्लास से भी ऊपर वाले सुपर। ठीक, बोल क्या रहा है कि पहला बोल रहा है कि पहले जो होंगे जो फिश लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड उनके साथ साथ जितने भी हमारे कैसे होते हैं, बोल रहा है कि इक्वेटिक यहाँ पे गैंथोस्टोमेट जो होते हैं उनको बता दिया गया, जो फिश लाइक इक्वेटिक गैंथोस्टोमेट थे उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप डिवाइड कर दिया सुपर क्लास के अंतर्गत, कैसा, सुपर क्लास के अंतर्गत, वो भी क्या इसमें जो पीसेस था, क्या था, पीसेज एक ग्रुप बनाया वो भी सुपर क्लास के रूप में, और उसमें यहाँ पे इक्वेटिक जो हमारे गैंथोस्टोमेट्स है उनको उन्होंने रख दिया। एंड दूसरे पार्ट में देखें, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आल यहाँ पे फोर फुटेड, मतलब ध्यान देना जो चार पैर वाले लोग थे, कैसे चार पैर वाले, जो चार पैर वाले लोग थे जो हमारे जमीनों पर रहते थे उनको उन्होंने क्या किया, सुपर क्लास के रूप में डिवाइड किया, वो भी किस फॉर्म में, टेट्रापोडा। तो दो कहानी यहां से स्टार्ट हुई, कौन, पहली कहानी क्या हुआ कि जो हमारा गैंथोस्टोमेटा था इसको टू सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, पहला किसमें, पहला हमारा यहाँ पे पीसेस के फॉर्म में एंड दूसरा यहाँ पे टेट्रापोडा के फॉर्म में। याद रहेगा, कोई दिक्कत केहू के कोई प्रॉब्लम ना बना। ठीक, तब ना बात है, चलिए आइए चलते हैं आगे। ठीक, यहाँ बात करते हैं सुपर क्लास नंबर फर्स्ट को, इसकी पीसेस की, पीसेस का मतलब यहाँ पे फिश से लिया गया। कसम बताएं, एक बार हमको इसी पे लग गया था एक झापड़ जोर से, उसमें क्या हुआ था, बोले कि चलो बताओ क्लासिफिकेशन करो, हमने यहाँ पे पीसेज ना कह के हमने क्या नाम दे दिया, हमने बोला कि फिश होता है, एक फिशेस होती है, एक टेट्रापोडा होता है। तो लोगों ने बोला कि मैडम बस आई और धरती बगल में जोर से। ठीक, तो याद है ना वहां पे पीसेज होता है, पीसेज, फीसेस नहीं होता, वो गलती मेरे साथ हुई है तो आप गलती मत दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे पीसेज होगा। एंड बात करते हैं जो फीसेस, बोल रहा है कि यहाँ पे फीसेस एंड फिश लाइक एक्वेटिक फॉर्म विथ पैर, यहाँ पे कैसा होगा, ये स्पेशल पेयर के फॉर्म में दिखाई देंगे एंड मीडियन फिन पाया जाएगा एंड उनमें गिल्स देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक स्पेशली चमड़ी दिखाई देगा, एक स्केल जैसा एक और स्किन देखने के लिए मिलेगा, यानी इसको बोलते हैं सल्कदार स्किन मिलेगा, मीडियम फिन मिलेंगे, फिन मिल जाएगा एंड यहाँ पे गिल्स भी मिल जाएंगे सांस लेने के लिए, उड़ने के लिए एंड ये चमकने के लिए। ठीक, एंड बात करेंगे इनको भी डिवाइड कर दें, इतना भी पेट नहीं भरा है, भर भर के देंगे, याद करके जाना होगा। ठीक, यहाँ पे प्लैकोडर्मी, हमारा क्लास नंबर सुपर क्लास का छोटा बेटा ना, सुपर क्लास का छोटा बेटा यानी पहला बेटा जो हमारे पास था छोटा, उसका रूप पहला बेटा क्या था, पहला था प्लैकोडर्मी। तो प्लैकोडर्मी की बात करेंगे, जो ये ऑर्डर है वो पूरी तरीके से कह सकते हो विलुप्त हो चुका है, कैसा हो चुका है, विलुप्त हो चुका है एंड ये प्रिमेटिव थे, कैसे थे, ये प्रिमेटिव थे, ये भी पैलियोजोइक स्ट्रक्चर्स के साथ आते थे और इनमें ये बोनी होते थे, कैसा, बोनी हेड यानी छोटा सर पाया जाता था, कैसा, छोटा सर पाया जाता था एंड इनके बॉडी के अंतर्गत देखे तो पूरा पूरा जो ब्रेन था, क्या था, इनके बॉडी का पूरा पूरा जो ब्रेन स्ट्रक्चर था वो ब्रेन स्ट्रक्चर्स भी काफी ज्यादा डेवलप नहीं दिखाया गया था। ऐसे क्या बोला गया, बोला गया कि जो ब्रेन स्ट्रक्चर्स होगा वो काफी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जैसा समय बीतता गया वैसी वैसी कहानी चलती गई कि वो पैलियोजोइक में थे और धीरे 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 करके वो विलुप्त हो गए। ठीक, बड़ी गर्मी लग रही है। ठीक, और ध्यान देना। ठीक, और यहां पे बात करें कि बोल क्या रहा है, किनके जो स्ट्रक्चर्स बोल रहा है किनके बॉडी के अंदर पूरा का पूरा देखा जाए तो जो इनका हेड था, इनके बॉडी से एक कह सकते हो कि जो कॉर्टिलेज मटेरियल होता है, कॉर्टिलेज मटेरियल से इनकी बॉडी
से इनका हेड कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, बीच में हमारा निक लाइक स्ट्रक्चर्स, कैसा गर्दन जैसा कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं देखने के लिए मिलता था। एंड यहाँ पे क्लाई पेंटस होगा, तो क्लाई क्लाइटेंस, तो क्लाइमेंटस, क्लाइमेंटस को भी आप देख सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल हम तो एक ही याद करके रखे हैं, ये वाला तो दे दिए हैं, देखो ये वाला तो हमको नहीं याद था, बट ये वाला तो क्लाइमेंटस याद था, इसको मेंटिस बोलते हैं, क्लाइमेंटिस, तो ये आपको याद है, ये ही आप इसको रख के जाएंगे, आपको काफी लंबे समय तक याद भी करना है, ठीक। एंड अगले की बात करें, अगले नंबर की बात कर लेते हैं, अगला नंबर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे क्वांड्रिक्यूस की बात करता है। क्वांड्रिक्यूस है क्या, ना क्या क्वांड्रिक्यूज बोलते हैं, क्वांड्रिक्यूज, ठीक। क्वांड्रिक्यूज की बात करें तो क्वांड्रिक्यूज की बात करते हैं तो इसमें छोटे छोटे पार्ट को देखते हैं। नंबर फर्स्ट, ये कैसे होंगे, मेनाइल, मतलब समुद्र में रहेंगे, ठीक। और ये कैसे होते हैं, ये कार्टिलेजिनस मटेरियल से बने होते हैं, कैसा इनका कौन सा, एंडोस्केलेटन, यानी जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेजिनस मटेरियल से बना होगा। एंड जो स्किल्स होंगे वो कैसे होंगे, प्लैक्वाइड, कैसे प्लैक्वाइड स्किल्स पाया जाएगा। वैसे भी मैंने इसके क्लास को बना दिया है कि जो हमारे जो मेरे स्किल्स होते हैं वो कई फोर टाइप्स होते हैं, ठीक। वो स्पेशली यहाँ पे प्लैक्वाइड स्किल्स इनके अंदर देखने के मिलेगा, गिल स्लिप देखने के मिल जाएगा, वो भी कवर्ड होगा किसके द्वारा, अपर कुलम पाया जाएगा, ऊपर एक ढक्कन लगा होगा जिसके अंदर गिल्स देखने के मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो मेल होगा वो स्पेशली इनके बॉडी में, मेल के अंदर क्या, इनके बॉडी में जो मेल होगा वो मेल स्पेशली जो होगा वो अलैंगिक, कैसा होगा, अलैंगिक श्रेणी में आता है, यानी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, ओके, ठीक, याद रखना। आगे बोलते हैं क्या कि एक कार्टिलेजस फिन भी पाया जाएगा, फिशेस होती हैं, कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, ओपास्टिल होती हैं, इनमें बोन ओन ज्यादा देखने के लिए मिलता है, कम बोन होता है, ओके। एंड बात करेंगे लगभग लगभग 600 स्पीसीज, देखो कम वो भी नहीं, 600 प्रकार की मछलियां देखने के लिए मिल जाएंगी, वैरायटी को छोड़ दे तो, ठीक, 600 मछलियां, हमारे यहाँ तो 2-3 मछलियां देखने के लिए मिल जाए, हमने लगभग 4-5 मछलियां अपने जीवन में देखी है, अब बताओ 600 मछलियां एक एक क्लास में पाई जा रही है, ऐसा कोई करता है, है ना, ठीक। सबसे पहले क्या आ रहा है, डॉग फिश, ठीक, तो डॉग फिश की बात करें एंड यहाँ पे रेड फिश, देखो डॉग फिश एंड रेड फिश, ये इसमें से किसी एक के साथ आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा, हो सकता है सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल कराया जाता है वो कराया जाता है हमारे पास स्कॉलियोडॉन, यानी डॉग फिश के साथ, तो बीएससी सेकेंड ईयर में स्कॉलियोडॉन का हमारे पास प्रैक्टिकल भी आएगा, तो ध्यान देना। तो क्लासिफिकेशन अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे आप क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब कुल मिला जुला के आप स्कॉलियोडॉन के बारे में सही से जानेंगे, यानी डॉग फिश के बारे में सही से जानेंगे, ठीक। यहाँ पे ऑस्ट्रिक, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिक यूज की बात करें, अब ऑस्ट्रिक यूज की बात करते हैं, और इसमें क्या बोलते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहेंगे, और कभी कभी मन भर जाता है तो समुद्र में भी चले जाते हैं, ओके। और बोलता है एंडोस्केलेटन मोस्टली बोन का बना होता है, यहाँ पे कैसा था, कार्टिलेज, डिफरेंट देख लेना, यहाँ पे मोस्टली कैसा है, बोन का है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, कार्टिलेज से डिजाइन है। एंड बात करते हैं जो इस यहाँ पे स्किन होता है वो हैविंग होता है, एंड वेरियस टाइप स्किन देखने को मिल जाएगा, कैसा, वेरियस टाइप, सेक्लॉइड भी देखने को मिलेगा, एक्नॉइड भी मिलेगा, ठीक, यहाँ पे तो वेरियस टाइप के हमारे प्लैक्वाइड भी देखने को मिल जाता है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पे स्किल्स के देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बात करते हैं कि जो इनका गिल स्लिट होगा ये भी कैसा होगा, कवर होगा, इससे अपर कुलम ढक्कन यहाँ भी लगा होगा, एंड यहाँ पे जो मेल होता है कैसा होता है, मेल होता है वो सही ठीक ठाक होता है, मतलब मेल जो होगा उससे बच्चे पैदे हो जाएंगे, मतलब अंडा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट अच्छा से कर लेगा, ओके। और ये बोनी फिश होंगे, कैसे होंगे, बोनी फिश होते हैं, देखो बोनी फिश का मतलब होगा जिनमें बोन पाया जाएगा। एंड बात करेंगे 20,000 स्पीसीज, अरे बाबा ये कोई नंबर है, मतलब 46,500 में से 20,000 ये, 500 और 600 ये, मतलब कुल मिला जुला के देखा जाए तो लगभग 20,000 21,000 तो इधर ही हो गया, मतलब फिशेस ही लगभग लगभग आधे वर्टिब्रेट्स को कवर कर लेती हैं, ठीक। इनमें एग्जाम्पल देखने के क्या मिलेगा, अच्छा खासा लेबू रोहिता यानी रोहू मिल जाएगा, यहाँ पे स्पेशली लंग फिश मिल जाएगा, एंड सी हॉर्स मिल जाएगा, हिप्पोकैम्पस देखे हो ना, घोड़ा मछली कक्षा 9 में पढ़ाया गया था आपको याद होगा, छोटी छोटी पहली बार हमको दिखाया घोड़ा मछली ऐसे था करके, ठीक, क्लास 9th में, याद है ना, जिसको जिसको याद होगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक, अच्छा लगेगा कि आप लोग को भी याद है पीछे का कुछ बातें, ठीक, हमको तो याद है, ठीक। आगे बात करते हैं अगले नंबर पे,
अगले नंबर पे चलते हैं भैया किसके पास, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सबसे बेस वाले सीरीज पे, ठीक, जिसका नाम है सुपर क्लास टू। सुपर क्लास टू में हम देखेंगे टेट्रापोडा, यानी चार पैर वाला, ठीक, दो पैर ये और दो पैर नीचे इस पे हम चल रहे हैं, चार पैर वाले लोगों को देखेंगे, ठीक। अब जो वो मॉडिफिकेशन करके हाथ बना गया, लेकिन पहले मतलब पैर बन गया, वो पैर का पैर रह गया, ये हाथ का हाथ, मतलब इन्होंने डेवलप अच्छा काम किया है, ठीक, इसलिए अच्छा काम हो गया इसके साथ, वो ऊपर आया, ठीक, हम लोग खड़े हो गए। पहले हमारे कैसे पूर्वज बंदर हुआ करते थे ये बताया गया था, ठीक, हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मतलब उसका ओरिजिन ऑफ लाइफ में सेकंड पेपर पढ़ना भी है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या बोला गया बेटा, इसमें बोला गया कि ये कैसे, ये लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जमीन पे रहने वाले होते हैं, इनमें टू पेयर्स, कैसा टू पेयर्स यहाँ पे देखने के लिए हमें क्या मिलेगा, स्पेशली लिम्स मिलेंगे, एंड उनके साथ साथ इनका स्पेशली स्किन देखने के लिए मिलेगा एंड लंग्स मिल जाएगा। चलो भैया ये तो बातें मिलते रहेंगी, आप देखते ही अपने बारे में जानते ही हो। चलो भैया क्लास नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं, एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब यहाँ पे एम्फीबी, यानी बोट लाइफ की बात करता है, पानी में भी रहेंगे ऊपर भी रहेंगे, जहां मन करेगा वहां रहेंगे, ठीक। तो सबसे फर्स्ट की बात करते हैं, ये लार्ज, क्या ये स्पेशली बात करें तो ये बोलता क्या है कि एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एंड ये आपके टेरेस्ट्रियल यानी भूमि पे भी लैंड भी होएंगे, ठीक। और ये स्पेशल जो ब्रीथिंग होती है ये कैसे करते हैं, ये गिल्स द्वारा करते हैं, और जब ये पानी में रहते हैं तो बाहर रहेंगे तो कैसे करेंगे, स्किन के द्वारा, ठीक। एंड बात करते हैं कि जो एडल्ट ट्रॉपिकल और टेरेस्ट्रियल माने जब बड़े हो जाते हैं, जब प्रिमेटिव स्टेज होता है तो कैसे होते हैं, लार्वल स्टेज की बात करता है, लार्वल स्टेज में ज्यादातर इक्वेटिक होते हैं, गिल्स द्वारा वो ब्रीथिंग करेंगे, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, वो जब जमीन पर रहने लगते हैं तो वो रिस्पायरेशन किससे करते हैं, वो स्पेशली उनके बॉडी में लंग्स बन जाता है, क्या लंग, जैसे मेढक है, मेढक क्या करेगा, स्किन से भी रिस्पायरेशन करता है और अपने गिल्स भी करता है एंड लंग्स भी करता है, पता तीन तीन सिस्टम है, यहां तक मेरे पास तो एक ही सिस्टम है, कौन सा, एकदम लंग्स प्यारा सा, उनमें अंदर तीन है, या वो तो ज्यादा स्ट्रांग है ना, ठीक। अब देखो स्किन कैसा होगा, स्पेशली स्किन की ग्रैनुलर होती है, इसको ध्यान देना, स्किन कैसी होगी, ग्रैनुलर स्किन पाई जाएगी, एंड इनके जो स्केल्स अलग अलग स्केल्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अलग अलग स्केल्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब देखो उसके बाद यहाँ पे जो हॉर्स सबसे बड़ी चीज है, जो हॉर्ट होगा वो थ्री चेंबर का होगा, कैसा होगा, जो हॉर्ट होगा वो थ्री चेंबर का होगा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉग की, मेढक आपने देखा होगा, ठीक, बाप उसी मेढक में हमारा टोड मेढक भी होता है, ठीक, टोड मेढक देखा, एम्फीस्टोमा को देखा होगा आपने, ठीक। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे रोनोडिक्रिना है, गुफो है एंड यहाँ पे एम्फीस्टोमा है, तो तीनों एग्जांपल को याद करेंगे, मेरा एकदम लिखित है कि आप याद ही करेंगे इसको, ओके। बात करते जो एम्फीबिया है, लगभग लगभग 2500 स्पीशीज के साथ है, बताओ भैया 2500 ये भी पाया जा रहा है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, क्लास नंबर टू, यानी रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स मतलब ये कैसे होंगे, ये चलने वाले होंगे, कैसे होंगे, चलने वाले होते हैं जमीन पे, रेंगने वाले, इसलिए इनको रेप्टाइल्स बोला गया है। ये कैसे होते हैं, ये जमीन पे रहने वाले लोग होते हैं, कैसे, जमीन पे रहने वाले टेट्रापोडा होते हैं, एंड जो इनकी स्किन होती है वो सूखी सूखी होती है, ये इनकी स्किन कैसे होती है, इनकी स्किन चिपचिपा होती है, कैसे, इनकी स्किन कैसे चिपचिपाती, बट इनकी स्किन कैसी है, सूखी हुई है, एंड स्पेशली ये कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाई कैसे होते हैं, ये एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल्स, यानी एक्टोडर्म से डेवलप हुआ एक स्पेशल टाइप का हमारे पास स्किल पाया जाएगा, जिसके द्वारा वो बने रहेंगे अभी बोनी प्लेट, क्या बोनी, कुछ ऐसे होते हैं जो बोनी प्लेट से भी क्या होते हैं, ढके होते हैं, जैसे मगरमच्छ आपने देखा है, क्या मगरमच्छ को आपने देखा होगा, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, देखने के मिलेगा। एंड यहाँ पे इनकम्प्लीट फोर चेंबर, यही बड़ा विवाद करता है, बड़ा झगड़ा कराता है, बच्चे काफी ज्यादा डैमेज होते हैं, जो हॉर्ट होता है वो इनकम्प्लीटली डेवलप होता है फोर चेंबर में, मतलब तीन तो चेंबर बन गया होता है, चौथा बन रहा होता है, ठीक, मजदूर भाग गया है इसलिए इनकम्प्लीट रह गया। उसके बाद आगे देखें, और इनकी जो ब्लड होती है वो कैसी होगी, जो ब्लड होगा वो कैसा पाया जाएगा, यहाँ पे कोल्ड ब्लड ब्लडेड होते हैं, कैसे, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनमें ठंडा ठंडा रुधिर पाया जाएगा, गर्म रुधिर नहीं पाया जाएगा। एंड बात करते हैं यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होंगे वो कैसे द्वारा होंगे, लंग्स के द्वारा, एंड में 7000 स्पीसीज देखने के लिए मिल जाएंगे, कितने हजार, 7000 स्पीसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड आपने लिजार्ड देखा होगा हमारे घर में, सॉरी
हमारे घर में छिपकली देखो कहीं होगी इधर ही, वहां पे एक है और कहाँ गई, एक वहां पे है, दो छिपकली हमारे घर में पता नहीं क्या करती है, भगाते हैं भागी नहीं रहती। ठीक, तो आपने रिजॉर्ट देखा होगा, रिजॉर्ट के बाद भी आपने नाजा नाजा देखा होगा, कोबरा। ठीक, ये ठीक, तो इसको भी देखा है, उसका करेट देखा होगा, किंग कोबरा देखा होगा, वाइपर देखे होंगे, तो अलग अलग है। ठीक, तो सबको आपने देखा ही होगा, आपने पूरे पूरे फार्म में घड़ियाल देखा ही होगा। ठीक, एंड बात करते हैं तीसरे नंबर पे, यहाँ पे आएगा क्या, एवीज, यानी बात करते हैं बर्ड्स की, पक्षी, चिड़िया। हम सबसे खूबसूरत चिड़ियों को मानते हैं, बड़ा प्यारा प्यारा लगते हैं। ठीक, आपने देखा होगा इतना गर्मी काहे को, एक मिनट है, कुछ ज्यादा गर्मी लग रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखें सबसे पहले बेटा क्या, ये ऊपर ऊपर उड़ते हैं, इनमें उड़ने की क्षमता होती है, सही बात है, पहले ऐसे लोग होते हैं जो उड़ते हैं स्पेशली। ठीक, तो ये कहाँ ऊपर 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 उड़ेंगे। एंड दूसरी बात कर रहा है, इनमें फोर स्पेशली लिम्स होते हैं, चार पैर देखने को मिलता है, और चार पैर में से जो फोर यानी आगे का लिम्स होता है वो कैसे मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें, विंग्स यानी पंखों में, वो कैसे होंगे, आगे का दो जो पैर होता है वो पंखों में मॉडिफाई हो जाता है। ओके, ठीक, उसके बाद नो टीथ इन बैक, मतलब यहाँ पे टीथ डेवलप नहीं होगा। ठीक, एंड यहाँ बात करें फोर हार्ट चैम्बर, चार हार्ट पाया जाएगा, मिस्त्री पूरा कर दिया इसको, यहाँ पे वार्म ब्लडेड होगा। ठीक, मतलब ये गर्म ब्लड वाले, मतलब गर्म रुधिर वाले लोग होंगे। एंड इनमें 9000 स्पीसीज देखने के लिए मिल जाता है, क्या मिलता है, 9000 स्पीसीज देखने के लिए मिल जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आप देखे होंगे कौवा होगी, कबूतर हो गया, उसके बाद उल्लू हो गया, ठीक, तोता हो गया, गौरैया हो गई, ठीक, बाज हो गया, चील हो गया, ढेर सारे लोग हैं जो इसी एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करते हैं। और हमारे पास लास्ट आता है क्या, क्लास नंबर फोर, जिसका नाम है मैमेलियंस, यानी हम खुद ही। मैमेलिया की बात करें, मैमेलिया यानी सबसे अच्छा ब्रेस्ट की बात करता है। ठीक, नंबर फर्स्ट, इनका जो बॉडी कवर, मतलब बॉडी जो कवर्ड होगा किससे, हेयर से, और जो इनकी स्किन होगी कैसे होगी, ग्लैंडुलर होगी। एंड उसके बाद जो फीमेल होगी, फीमेल में स्पेशली मेमेरी ग्लैंड पाया जाता है, क्या, मेमेरी ग्लैंड होते हैं जो सिक्रेट करता है किसको, मिल्क को सिक्रेट करता है, कब, स्पेशली यंग स्टेज में। ठीक, आगे बात करते हैं इनका क्या होगा, हॉट होगा, वो फोर चैम्बर में होते हैं, ब्लड कैसा होगा, वार्म ब्लडेड होंगे, एंड एयर एयर ब्रीथिंग होते हैं, इस चीज को ध्यान देना, ये स्पेशल क्राइटेरिया है किसी भी वर्ड सॉरी उसका मेमेस का। ठीक, और लगभग लगभग इसमें 5400 सॉरी 4500 स्पीशीज देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, और इसमें एकेडिना को देख लो, कंगारू को देख लो, और उसके बाद और ह्यूमन को देख लो, एंड चूहा भी है, क्या है, चूहा भी है, उसको भी देखना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब तक देखो स्टूडेंट्स, हम लोग बड़े अच्छे से, बड़े मजे मजे में, गर्मी लग रहा था इसलिए हम थोड़ा क्लास में आज आराम से पढ़ाए हैं। ठीक, तो आप इस पूरे जितने भी सिम्टम्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं, सबको देख लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट पार्ट टू दोनों पार्ट को कवर करके एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, जो नोट्स आपके लिए काफी अच्छा होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी खुशखबरी दी जाए कि मैंने जैसे मेरे अभी 9th एंड 10th की साइंस की बुक, मतलब पूरी साइंस कंप्लीट एनसीईआरटी पैटर्न पे वो मेरा पब्लिश हो गया है, मार्केट में भी 10th का आ गया, 9th का भी कुछ दिनों में आ जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग आकाश का, मेरी टीम पूरी की पूरी इंटर के लिए काम कर रही है, इंटरमीडिएट एंड बीएससी के भी काफी ज्यादा बुक के, लगभग 4-5 जूलॉजी के बुक रेडी हो चुके हैं, बस पिक्चर्स करने हैं एंड लाइसेंस बाकी रह गया। ठीक, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कंप्लीट होता है तो हम लोग उसको जस्ट पब्लिश करा के आपके पास पहुंचा देते हैं जल्दी से, क्योंकि काफी बच्चे लगातार क्लास में ये बताते हैं सर कौन सी बुक लें, तो अभी हम लोग को वो टाइप का बुक नहीं मिला जो बीएससी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया हो, जिससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिले, एंड उनको पेपर के लिए मिले, एंड उनको तैयारी के लिए मिले, एंड उनको थ्योरी भी मिल जाए और अच्छा खासा फिगर भी मिल जाए, ये किसी बुक में देखने के लिए नहीं मिलती। और कुछ कोई बुक है भी तो वो 5000 4000 की है, बताओ 400 पेज की, 4000 की, 5000 की, 3000 की बुक कौन खरीदेगा। तो अब जो हम लोग की बुक आएगी वो लगभग लगभग 1 रुपए पर पेज के हिसाब से आएगी, उसके बाद जो भी उसका जीएसटी आएगा वो रखा जाएगा। ठीक, तो लगभग 1 रुपए, मतलब जो हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं कहीं ना कहीं उससे भी सस्ती बुक होगी, क्योंकि फोटो कॉपी भी दोनों तरफ हम लोग कराते हैं, 3 रुपए लग जाता है, वहां पे दोनों तरफ का डिजिटल प्रिंटिंग के साथ आता है, आपको मेरी बुक कहीं होगी, मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो उस बुक को स्पेशली डिजाइन किया गया A4 पेपर पे, वो भी ए ग्रेड पेपर पे। ठीक, तो उसके बारे में बता दूंगा, यदि आपके घर कोई बच्चा होगा 10th में पढ़ रहा होगा, सीबीएसई से पढ़ रहा होगा, तो इंग्लिश मीडियम के मेरी बुक पब्लिश हो चुकी है,
वो मेरे कंटेंट जरूर करें, मैं उनके साथ ट्रांसफर कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप बाय कर सकते हो। थोड़ा सेल करिए, मजेदार, आपको साथ पूरा पूरा नोट्स एंड बाकी डिस्टेंस लर्निंग की जितनी मटेरियल है जल्द पहुंचाने वाले हैं मेरी टीम पूरी आपके घर तक। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, गुड बाय, जय हिंद।